हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। घूसखोरों पर नकेल कसने के लिए राजस्थान एसीबी लगातार एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में आज सिरोही एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिको कार्यालय में कार्यरत एक यूएसडी जलील खान को 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सिरोही एसीबी के एडिशनल एएसपी नारायण सिंह ने बताया कि शिवगंज क्षेत्र के बड़गांव रिको एरिया में ऑनलाइन बिड के जरिए आवंटित हुए प्लॉट का लीजेड यानी पट्टा जारी करने के एवज में उक्त बाबू ने दो व्यवसायियों विष्णु कुमार अग्रवाल व प्रवीण कुमार अग्रवाल से 4,000 रुपए की मांग की गई थी, जिस पर उक्त दोनों व्यवसायियों ने एसीबी शिकायत की, जिस पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापान करवाकर आज उक्त रिश्वत राशि लेते हुए घूसखोर बाबू जलील खान का सिरोही स्थित रिको कार्यालय में ही ट्रैप किया। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए एसीपी अधिकारी इन्होंने ये कहा, विष्णु कुमार अग्रवाल जो सुमेरपुर निवासी है, उनके रिको में जो है वो ऑनलाइन नीलामी से उन्होंने जो है वो प्लॉट खरीदा था इंडस्ट्री है, और उसकी लीज डील बनाने के लिए लगातार ये परेशान कर रहे थे। आज जो है लीज की एवज में उनका और उनके मित्र दोनों के 4,000 रुपये के हिसाब से 8,000 रुपये की राशि जो है वो लेते हुए जलील खान जो यूडीसी है या रिको कार्यालय का सिरोही में, उनको रंगे हाथों आज जो है पकड़ा है और कार्रवाई जारी है। जागरूक टीवी के सिरोही से भवानी सिंह सोलंकी की रिपोर्ट।